उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर महासंग्राम जारी है। चौथे दौर की वोटिंग से पहले हर दल जोर आजमाइश कर रहा है। चुनावी शोर के बीच 12 मई को प्रतापगढ़ में कुछ बड़ा होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप अपने गढ़ में सबसे बड़ी पार्टी के साथ मंच साझा कर सकते हैं। वो पार्टी सपा नहीं बीजेपी है। माना जा रहा है कि बीजेपी के मंच पर राजा भैया न सिर्फ नजर आएंगे बल्कि उसके पक्ष में प्रतापगढ़ की जनता के सामने माहौल भी बनाएंगे। पार्टी सूत्रों से खबर है कि राजा भैया कौशाम्बी से बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर के समर्थन में सार्वजनिक तौर पर लोगों से वोट देने की अपील करेंगे। सूत्र बता रहे हैं कि राजा भैया इस चुनाव में अपनी पार्टी का प्रत्याशी न उतार कर बीजेपी प्रत्याशी को फुल सपोर्ट करने वाले हैं। अभी हाल ही में उन्होंने बेंगलुरु में अमित शाह से मुलाकात भी की थी, लेकिन सवाल ये है कि जिस विनोद सोनकर से जनसत्ता दल के नेताओं का 36 का आंकड़ा रहता है, उस प्रत्याशी के लिए राजा भैया कैसे वोट मांगेंगे। हालांकि उनका बीजेपी के प्रति नरम व्यवहार जग जाहिर है। राज्यसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया था। फिलहाल सबकी नजरें राजा भैया पर है कि अगर वो बीजेपी के साथ मंच साझा करते हैं तो विरोधियों पर कौन कौन से बाण चलाएंगे। वहीं रैली को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं ने बड़े स्तर पर तैयारियां कर ली है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।